आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको इंडियन माइनिंग एग्जामिनेशन की अपडेट्स सबसे तेज मिलती रहे। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टेक्निकल। आज के इस वीडियो में सीसीएल द्वारा कंडक्ट किए गए सरदार एग्जामिनेशन 2018 के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आपने सीसीएल एग्जामिनेशन ऑफ सरदार 2018 की पार्ट वन की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, जाए जाकर देख लें। बहरहाल चलिए देर न करते हुए कुछ नया सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एटलीस्ट हाउ मच परसेंटेज ऑफ रूफ बोल्ट्स आर टेस्टेड फॉर एंकोरेज टेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए 1%, ऑप्शन नंबर बी 10%, ऑप्शन नंबर सी 9% एंड ऑप्शन नंबर डी 25%। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कितना प्रतिशत रूफ बोल्ट की एंकरेज टेस्टिंग की जाती है। ऑप्शन ए है 1%, बी 10%, सी 9% और डी 25%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10%। ये क्वेश्चन 2018 के WCL के सरदार एग्जामिनेशन पे भी पूछा गया था। यहाँ पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रूफ बोल्ट का कितना परसेंट एंकरेज टेस्टिंग किया जाता है तो आपका आंसर होगा 10%। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ये है कि रूफ बोल्ट का कितना परसेंट डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग किया जाता है तो होगा 1%, और जो नॉर्मल टेस्टिंग जो होता है यानी जो स्पेसिफाइड लोड पर जो टेस्ट होता है वो होता है 9%। टोटल मिला के कितना परसेंट होता है, वो होता है 10%। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्टेबल इंजरी मीन्स एन इंजरी causing ऑप्शन नंबर ए absence फॉर मोर देन 72 hours, ऑप्शन नंबर बी फॉर मोर देन 24 hours बट लेस देन 72 hours, ऑप्शन नंबर सी absence फॉर अ वीक एंड ऑप्शन नंबर डी none of the above। इस वाले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि रिपोर्टेबल इंजरी का मतलब ऐसा इंजरी जिसके कारण ऑप्शन नंबर ए कोई पर्सन 72 घंटे से ज़्यादा देर तक एबसेंट होता है, ऑप्शन नंबर बी 24 घंटे से ज़्यादा देर तक एबसेंट होता है लेकिन 72 घंटे से कम देर तक एबसेंट होता है, ऑप्शन नंबर सी 1 हफ्ते तक एबसेंट होता है और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा एबसेंस फॉर मोर देन 72 आवर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए 72 घंटे से ज़्यादा देर तक एबसेंट। अगर आपको रिपोर्टेबल इंजरी के बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए या डिटेल जानना चाहते हैं तो आप माइंडसेट का डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, इसके साथ ही माइंडसेट का सेक्शन नंबर 23 पढ़ सकते हैं और माइंड्स रूल 1955 का रूल नंबर 76 भी पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज़ फुल फॉर्म ऑफ RMR इज़ RMR का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए रूफ मास रॉक, ऑप्शन नंबर बी रूफ मास रेटिंग, ऑप्शन नंबर सी रॉक मास रेटिंग एंड ऑप्शन नंबर डी नन। इस क्वेश्चन में आपसे RMR का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रॉक मास रेटिंग। अगर RMR के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो RMR बेसिकली रूफ रॉक लेयर्स की जो स्टेबिलिटी है उनको नंबर्स में एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। RMR की वैल्यू 0 से लेकर 100 तक जाती है और RMR के हिसाब से रूफ को 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, वेरी पुअर, पुअर, फेयर, गुड एंड वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज़ वार्निंग लिमिट ऑफ नॉइज इज़। ऑप्शन नंबर ए 90 डेसिबल इंडस्ट्रियल नॉइज, ऑप्शन नंबर बी 85 डेसिबल इंडस्ट्रियल नॉइज, ऑप्शन नंबर सी 80 डेसिबल इंडस्ट्रियल नॉइज एंड ऑप्शन नंबर डी 140 डेसिबल इंडस्ट्रियल नॉइज। इस वाले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि ध्वनि की चेतावनी सीमा क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है 90 डेसिबल औद्योगिक ध्वनि, ऑप्शन नंबर बी है 85 डेसिबल औद्योगिक ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी है 80 डेसिबल औद्योगिक ध्वनि और ऑप्शन नंबर डी है 140 डेसिबल औद्योगिक ध्वनि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 85 डेसिबल इंडस्ट्रियल नॉइज। इसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि वार्निंग लिमिट ऑफ नॉइज़ क्या होती है तो जैसा कि अभी मैंने बताया 85 डेसिबल इंडस्ट्रियल नॉइज़, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि डेंजर लिमिट ऑफ नॉइज़ क्या होती है, कितना होती है, तो आपका आंसर होगा 90 डेसिबल इंडस्ट्रियल नॉइज़। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज़
परमिसिबल लिमिट ऑफ एयरबॉर्न रेस्पिरेबल डस्ट इज ऑप्शन नंबर ए 5 mg/m³, ऑप्शन नंबर बी 3 mg/m³, ऑप्शन नंबर सी 4 mg/m³ एंड ऑप्शन नंबर डी 3.5 mg/m³। इस वाले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि एयरबॉर्न रिस्पिरेबल डस्ट यानी वायुवाही श्वसनीय धूल की अनुमोदित मात्रा क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए था 5 mg/m², ऑप्शन नंबर बी 3 mg/m², ऑप्शन नंबर सी 4 mg/m² और ऑप्शन नंबर डी 3.5 mg/m². आगे कुछ भी इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि इस वाले क्वेश्चन का जो ऑप्शंस था वो एग्ज़ाम में भी सेम टू सेम था और इसके सभी ऑप्शन जो हैं वो अभी के हिसाब से गलत हैं। अभी के अनुसार इसका राइट आंसर होना चाहिए 2 mg/m³, जो कि ऑप्शन में नहीं है। बट चूंकि हम लोग को एक ऑप्शन पिक करना ही है क्योंकि क्वेश्चन सेम टू सेम सरदार वाले एग्ज़ाम में सेम ही था, तो आपको ऑप्शन नंबर बी पिक करना चाहिए 3 mg/m³। इसका रीज़न ये है कि 1957 का जो रेगुलेशन है उसमें यह बताया गया था कि एयरबॉर्न रिस्पिरेबल डस्ट का परमिसेबल लिमिट 3 mg/m³ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ हैंड हेल्ड अपैरेटस इज ऑप्शन नंबर ए 220 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 125 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी 25 वोल्ट एंड ऑप्शन नंबर डी 110 वोल्ट। इस वाले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि हैंड हेल्ड अपैरेटस यानी हैंड हेल्ड उपकरण में अधिकतम कितना वोल्टेज दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है 220 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है 125 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है 25 वोल्ट और ऑप्शन नंबर डी है 110 वोल्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 125 वोल्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज ग्रेडिंग ऑफ नॉन कोकिंग कोल इज ऑप्शन नंबर ए G1 to G17, ऑप्शन नंबर बी G1 to G4, ऑप्शन नंबर सी Steel 1 to Steel 4 और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। इस वाले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि नॉन कोकिंग कोल का जो ग्रेडिंग है वो कौन सा ग्रेडिंग इसमें से है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए G1 से लेकर G17 तक, ठीक है। Steel 1 से लेकर Steel 4 जो है वो कोकिंग कोल का ग्रेडिंग होता है और नॉन कोकिंग कोल का जो ग्रेडिंग होता है वो G1 से लेकर G17 तक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए G1 से लेकर G17। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कोल इज डन बाय ऑप्शन नंबर ए इंस्टीट्यूट थ्योरी, ऑप्शन नंबर बी ड्रिफ्ट थ्योरी, ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इंडियन कोयला जो है वो कौन सी थ्योरी के आधार पर बना है। ऑप्शन नंबर ए है इंस्टीट्यूट थ्योरी, ऑप्शन नंबर बी है ड्रिफ्ट थ्योरी, ऑप्शन नंबर सी है दोनों और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ड्रिफ्ट थ्योरी, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम कोल जो है वो ड्रिफ्ट थ्योरी से बना है। चलिए ये तो हो गया फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कोल के बारे में, ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। अभी बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो की ओर, विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ CCL। ऑप्शन नंबर ए अरगड्डा, ऑप्शन नंबर बी गिरिडीह, ऑप्शन नंबर सी छाछ विक्टोरिया और ऑप्शन नंबर डी बोकारो एंड करगिली। इस वाले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एरिया सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड यानी CCL का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है अरगड्डा, ऑप्शन नंबर बी है गिरिडीह, ऑप्शन नंबर सी है छाछ विक्टोरिया और ऑप्शन नंबर डी है बोकारो और करगिली। तो इसका राइट आंसर है छाछ विक्टोरिया, ऑप्शन नंबर सी। अगर बात हम लोग CCL के एरियाज़ की करें तो CCL में कुल 13 एरियाज़ हैं, टोटल 13 एरियाज़ हैं। गिरिडीह जो है वो सबसे लेटेस्ट एरिया जो ऐड हुआ है CCL में वो है। तो बस आज के लिए बस इतना सा ही, चलिए समाप्त करते हैं आज की वीडियो का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें हमेशा की तरह। अगर आपने इस वीडियो को 2 दिन के अंदर 500 लाइक्स दे दिए तो मैं कंफर्म संडे को इसकी पार्ट 3 वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपके मन में कोई थॉट या डॉट हो तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, बिकॉज इट हेल्प्स द चैनल। सो टिल देन एज ऑलवेज, जय हिंद जय भारत।